छिंदवाड़ा में रसूखदार नेताओं की शह पर अवैध रेत उत्खनन का धंधा जोरों पर चल रहा है। अब इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या मिलीभगत, लेकिन अवैध रेत उत्खनन बंद होने का नाम नहीं ले रहा। परासिया में खुलेआम धड़ल्ले से रेत माफिया रेत का धंधा करने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो सरकारें अवैध रेत उत्खनन को बंद करने के दावे कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर रेत माफिया रसूखदार नेताओं और प्रशासन की मिलीभगत के चलते धड़ल्ले से नदियों का सीना छलनी कर रेत निकाल रहे हैं। फिर वे चाहे पूर्व की कमलनाथ सरकार हो या फिर वर्तमान सरकार ही क्यों ना हो, सबके दावे इन माफियाओं के सामने खोखले साबित हो रहे हैं। परासिया विधानसभा में कई जगह रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। रसूखदार नेताओं के दम पर माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं। गौरतलब है कि इसको लेकर कुछ दिन पूर्व दो गुटों में खूनी संघर्ष हो चुका है, उसके बावजूद पुलिस विभाग अवैध रेत कारोबारियों पर शिकंजा कस नहीं पा रही है। कुलवेहरा कौन सा स्थान है ये? छोटी पुलिया के पास जो आप रेत भर रहे हैं। हाँ। किसकी गाड़ी है? बालग्राम प्रजापति। कहाँ निवास करता है? शारदा मंदिर। शारदा मंदिर। कोई आपको रोकता नहीं है क्या रेत ले जाते हो तो? नहीं। परमिशन है क्या? परमिशन नहीं, वो भरवाते हैं तो भरते हैं। एक दिन में कितनी ट्रिप जाती है आपकी रेत? वही 3 ट्रिप। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।